हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका शॉपिंग लवर यूट्यूब चैनल में। आज मैं मेरे FZ में लेग गार्ड के ऊपर मड प्रोटेक्टर लगाने वाला हूँ। तो नॉर्मल जो हमारी स्प्लेंडर और अदर बाइक्स रहती है उसमें वो आराम से लग जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड स्पेस है तो मड गार्ड लगने का चांसेस रहता है उसके ऊपर। तो मैं आपको उसको इंस्टॉल करने का सही तरीका दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने मड फ्लैप लाया है, ये सिर्फ मुझे 40 रुपये में मिला है और उसके साथ केबल टाइप भी देते हैं वो लोग। ये देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसको सीधा लगाते हैं तो ये हमारे सस्पेंशन को भी टच होता है तो बाद में प्रॉब्लम करेगा और स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं टर्न लेते वक्त जब सस्पेंशन को लड़ेगा तब। तो हमें इसका ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन कट करना पड़ेगा और बीच में भी इंजन को हवा पास होने के लिए, मतलब ये हमारा एयर कूल्ड इंजन है तो उसमें हवा जाना मांगता है आगे से, तो उसके लिए भी हम लोग एक कटआउट निकालेंगे। और जो उसका इंजन प्रोटेक्शन का अंडर बेली है वो थोड़ा आगे है तो उसके वजह से वो मडगार्ड को घिसेगा, तो उसके लिए भी एक छोटा सा कटआउट निकालेंगे। तो अभी मैं सब चेक कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कट मारना पड़ेगा, तो उसके बाद में मैं उसमें ड्रॉ कर लूँगा और ड्रॉ करने के बाद ही मैं इसको कट कर लूँगा। ऊपर वाला पोर्शन हमने सस्पेंशन ना टकराए इसलिए कट किया है। अब मैं इंजन को एयर वेंटिलेशन मिलना चाहिए इसके लिए एक कटआउट बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। ये कटआउट बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये कटआउट ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ आ जाएगा। तो आप उसको मीडियम साइज़ का ही रखें जैसे मैंने रखा है, आप कम भी रख सकते हैं। उसके बाद में जो अंडर बेली है हमारा इंजन प्रोटेक्शन का, तो उसके लिए भी हमें एक थोड़ा सा छोटा सा ये छेद मैंने बनाया है, ये देखिए ये कटआउट मारना ही पड़ेगा तभी वो सीधा बैठ पाएगा, नहीं तो आगे आएगा और चलाते समय मडगार्ड को घिसेगा। तो ये सब होने के बाद मैं छोटे ब्लेड लेके इसको कटआउट मारूंगा। ये मैंने ऊपर एक छोटा सा कटआउट और एक मारा है क्योंकि जो हमारा डिस्क ब्रेक का पाइप है वो उसको लड़ रहा था, मैंने थोड़ा देखा तो मुझे पता चला, तो इसलिए मैं छोटा सा और नीचे करता हूँ। ऊपर की तरफ जो हम कट लगाते हैं तो उसका कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है कि मिट्टी वगैरह उड़ जाएगा, जो कुछ भी है वो नीचे की तरफ ही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से काट के लेता हूँ और इसे इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे परफेक्ट तरीके से काटा है, तो अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे बिठेगा। तो बिठाने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, ये देखिए अंडर बेली का पोर्शन जो कटआउट मारा है उसके अंदर से बाहर आ रहा है परफेक्टली। अभी मैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से छेद किया हूँ, ये बहुत पतला होता है तो स्क्रू ड्राइवर से आराम से छेद हो जाता है, और ये है हमारा केबल टाई तो उसकी मदद से मैं इसको बिठाऊंगा। तो इस प्रोसेस को आप फास्ट फॉरवर्ड में एंजॉय कीजिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा मड प्रोटेक्टर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने अच्छी तरीके से केबल टाई लगा के किया है। ये देखो, मेरा जो एयर वेंटिलेशन का पोर्शन है वो भी अच्छी तरीके से फिट आया है, और जो हमारा अंडरबेली का पोर्शन है वो भी नहीं लड़ रहा है। तो अभी ये कम्प्लीटली अच्छी तरीके से इंस्टॉल हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे कोरोना हुआ था, इसलिए मैं मानसून के स्टार्टिंग में वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, और बाद में 2 हफ्ते के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। जय हिंद, वंदे मातरम।